नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। सबसे पहले बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर बहुत बड़ा विवादित बयान दिया है। कहते हैं कि रामचरितमानस में है आपत्तिजनक अंश। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। रामचरितमानस ग्रंथ पर बैन लगाने की बात कह दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस को सुख के लिए लिखा है, ये बयान का बड़ा हिस्सा उनके। और ये विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अपने राजनीतिक करियर का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में गुजारा, नेता प्रतिपक्ष भी रहे बहुजन समाज पार्टी में जब थे तो, और पिछली योगी सरकार में मंत्री भी थे। जो कुछ विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है आपके सामने रख रहे हैं। वो श्वांता सुखा के लिए लिखी गई थी। बाल कांड की शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने इसका जिक्र किया है कि श्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। इस तरीके से भाषा निबंध के माध्यम से इसको लिखता है। दूसरी चीज, धर्म कोई हो उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म मानव कल्याण के लिए, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन कोई धर्म विशेष वर्ग जाति को भी अगर अपमानित करने की बात करती है तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि गाली किसी लिए धर्म कभी न रहा है, न रहेगा, न होगा। ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा, इन जिन भी जातियों का जिक्र आया, तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलवार, ये सब हिंदू समाज की जातियां। तो अगर ये भी हिंदू समाज की जातियां हैं तो कैसा यो हिंदू धर्म है जो अपने ही समाज के लोगों को गाली दे और अधम जात यानी नीच जात होने का सर्टिफिकेट दे। मेरी मांग है कि ऐसे आपत्तिजनक तथ्य जो किसी वर्ग जाति विशेष को अपमानित करते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। शब्दों को भी निकाला, स्वाभाविक रूप से उनको प्रतिबंधित किया जाए। क्या बड़ी बातें कही अपने बयान में, आइए अब आपको बताते हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है रामचरितमानस में, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वो कहते हैं कि दलितों पिछड़ों का अपमान हुआ है, महिलाओं का अपमान हुआ है रामचरितमानस में। कुछ अंश पर उन्हें आपत्ति है और वो ये कह रहे हैं कि विवादित अंश हटाए जाए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए, स्वांता सुखाए अपनी खुशी के लिए रामचरितमानस लिखा है और इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये उनके कहने का अर्थ है। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था, आइए अब आपके सामने हम वो भी रख रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उत्तरकांड में निचली जातियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी है, शिक्षा ग्रहण करने पर निचली जातियों की सांप से तुलना कर दी थी बिहार के शिक्षा मंत्री ने। ये नफरत बोने वाले ग्रंथ हैं। मनुस्मृति में 85% लोगों को गाली दी गई है, यह कहा था बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में। वहां से यह विवाद शुरू हुआ और बिहार से चलते हुए यह विवाद उत्तर प्रदेश आ पहुंचा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगभग वैसी ही बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का भाजपा नेताओं और संतों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता जानती है समाजवादी पार्टी का जो उनका कल्चर है और जिस प्रकार से वो इन सब देश विरोधी समाज विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त रहते हैं वो सब जानते हैं। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का विषय है, वो बयान को समाजवादी पार्टी का बयान माना जा या उनका निजी बयान माना जाए, ये अखिलेश यादव जी को पार्टी के नेतृत्व तय करना। ये सब विक्षिप्त लोग हैं और इस प्रकार के बयान देते रहते हैं।
जो राम के द्रोही होते हैं वो विश्वद्रोही हो जाते हैं, उन्हें कोई समझने वाला होता नहीं और उनकी बहुत बुरी ख्वारी होगी। इस तरीके के टिप्पणी कर देना और इस तरीके के बयान दे देना अपनी राजनीति गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया हो, ये वो खुद के अपने चरित्र को दिखा रहे हैं, ये उनके खुद के चरित्र का दर्पण है कि वो कितना जो है नीच स्तर का है। इस तरीके की बात मुझे नहीं लगता श्री राम के लिए कहनी चाहिए किसी को। वो पहले भाजपा में रहे, भाजपा से सपा में गए, सपा ने किसी प्रकार से उनको टिकट दिया, उसमें जनता ने उसको नकार दिया, फिर राज्यसभा में उन्होंने भेज दिया है। ऐसी स्थिति में इसकी बात भाषा को और इस प्रकार से जो इस निंदा और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को निकालने की प्रभाव करेगा तो इसका प्रभाव पार्टी के ऊपर पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लात खा करके सपा में गए हैं। अब बहुत अनर्गल बोलते थे, अगर भाजपा खराब है तो अपनी बिटिया को वहां से निकाल ले आए सपा में, ना क्यों वहां रखे हुए हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अथवा कर्नाटक के एक तथा कथित मूढ़ बुद्धिजीवी के द्वारा भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की गई, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा करी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रयागराज के साधु संत बहुत नाराज हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल देने की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान किया है, जो विवादित टिप्पणी की है, उसे लेकर संगम नगरी प्रयागराज में के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं में जबरदस्त नाराजगी है। कोई उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, कोई उन्हें जेल भेजे जाने की मांग कर रहा है, तो कोई सीधे तौर पर उन्हें चुनौती दे रहा है। महाराज जी, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना, क्या कहना है आप? मेरा यह कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान हमारे रामचरितमानस पे किया है, ऐसे व्यक्ति को इस देश से ही नहीं उसको कठोर से कठोर कार्यवाही उसके जीवन के साथ करना चाहिए। ऐसे देशद्रोहियों को देश निकाला, इनको शासन को प्रशासन को तुरंत देश से बाहर कर देना चाहिए और कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई मंत्री या कोई नेता इस तरह का कोई बयानबाजी न कर सके। नहीं नहीं, ऐसे दिवालिया मस्तिष्क के व्यक्ति को, सही बात तो यही है कि समाज में इस राष्ट्र में रहने का अधिकार है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को जो समाज में विघटन पैदा करे, इतने पवित्र ग्रंथ के प्रति इस तरह अपमानजनक टिप्पणी करता है, उसको तो सही बात यही है कि उसको जीने का अधिकार नहीं है। क्या है कि ये रामचरितमानस के बारे में जिनको खुद ही नहीं पता है, तो इस तरह की गलत बयानबाजी दिए हैं, इसलिए उनको जो है भारत से निकालना ही चाहिए, नहीं मृत्युदंड देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिन्हें धर्म ग्रंथ का ज्ञान ही नहीं है, हमारे रामायण संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं में किस तरीके की नाराजगी है। कोई उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहा है, कोई जेल भेजे जाने की मांग कर रहा है, तो कोई उनकी भारत की नागरिकता रद्द कर पाकिस्तान भेजे जाने की मांग कर रहा है। ज्यादातर संत महात्माओं का यह भी कहना है कि इस बारे में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्हें भी इस बारे में दखल देना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांगना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रयागराज के संत उन्हें देश निकाला देने की मांग कर रहे हैं और कुछ ने मृत्युदंड देने की भी मांग कर दी है। और रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ओपी राजभर ने हमला किया है। ओपी राजभर ने कहा है कि चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इसलिए ऐसे बयान देते हैं, सत्ता में रहने पर कभी इन जातियों का ख्याल नहीं आया। ऐसे ही बयान पर सपा ने लोटन राम निषाद को निकाल दिया था। क्या स्वामी प्रसाद को पार्टी से निकालेंगे अखिलेश? यह सवाल उठा रहे हैं ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर। कह रहे कोई पूछने वाला नहीं है इसलिए ऐसे बयान देते हैं, और ये कहते हुए भी वो अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि इससे पहले लोटन राम निषाद ने ऐसा ही बयान दिया था तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल देंगे अखिलेश यादव? ये सवाल उठा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और पिछले कुछ दिनों से
जिस तरीके से अखिलेश यादव उनके निशाने पर हैं, इस विषय को लेकर एक बार फिर से निशाने पर आ गए। ओम प्रकाश राजभर हमलावर हैं, वो ये कहते हैं कि सत्ता में रहने पर कभी इन जातियों का ख्याल नहीं आया स्वामी प्रसाद मौर्य। लोटन राम निषाद का वो उदाहरण दे रहे हैं, लोटन राम निषाद के बारे में कहते हैं कि वो ऐसे ही बयान देने पर निकाल दिए गए थे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम बार अपने इन्हीं विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी भी कराते रहते हैं। हमारे साथ में समय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इस तरह से विवादित बयान देते हैं, रामचरितमानस को बैन करने तक की वो बात कह देते हैं, ये सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और देखिए, एक शब्द बहुअर्थ युत जह शोभा के हित, सबके चश्मे पढ़ने के अलग अलग होते हैं। कुछ चश्मे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, कुछ चश्मे हैं पावर के जिसे दिखाई देते हैं। पहले तो मुझे आश्चर्य है कि क्या रामचरितमानस पढ़ा है उन्होंने पूरा, ये कब की कहानी है, किसने कहा है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। सत्ता से बाहर हैं, सत्ता से बाहर रह के चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के फिजूल बयान दिए जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में ओपी राजभर, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कभी 5 साल राम दरबार में रहे मलाई काटी, और अब जब सपा में है तो वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी को कड़ी और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल देना चाहिए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ चले शरोगा, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। शामली से खबर है, शरारती तत्वों ने वहां जिम में आग लगा दी है और आग से जिम संचालक को लाखों रुपए के नुकसान की खबर है। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला है थाना भवन इलाके का। ये देखिए आप, ये फुटेज आपकी स्क्रीन पर है। ये शरारती तत्व जिम में आग लगाकर भाग खड़े होते हैं और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान इसकी वजह से। ये देखिए, शरारती तत्वों ने आग लगाई और वहां से रफू चक्कर, और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। शामली की घटना है, थाना भवन इलाके की। जिम संचालक को इस वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अगली अपडेट गाजियाबाद से है, वहां पर 6 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 13 साल के नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। घर के पास खेलती बच्ची को अगवा करके रेप की कोशिश का आरोप है। नाकाम होने पर बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची को ईंट से सिर पर मारा गया जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने अपने हाथ और शर्ट पर खून के धब्बे जो लगे थे उसको साफ किया है और किसी को शक न हो बिना कोई हरकत किए स्कूल चला गया। ईंटों से बच्ची के सर पे वार कर उसकी हत्या कर दी है। इस बालकचारी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस सफल अनावरण के लिए टीमों को पुरस्कृत भी किया जाए। अगली बड़ी खबर आगरा से है, गोली मारकर युवक की हत्या की खबर आ रही है। खेरागढ़ के ऊंटगिरी चौराहे पर युवक को गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई और पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ बताया जा रहा है। गोली लगने से 25 साल के अंकित की मौत की खबर है। सनसनीखेज घटना आगरा में, गोली मारी गई 25 साल के युवक अंकित को, उसकी हत्या कर दी गई खेरागढ़ के ऊंटगिरी चौराहे पर। इसमें शिव कुमार वाले पक्ष ने गोली चलाई थी, इसमें अन्नू जी के मामा जी के लड़के अभिषेक को गलती से गोली लग गई है उसमें, और ये जान लेने की नीयत से फायर किए गए थे अन्नू के ऊपर। इस क्रम में जब उसे जेबी हॉस्पिटल लेके जाया गया है तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई, सर्विलांस एसओजी भी लगी है, थाना स्तरीय टीम भी लगी है और जल्द ही जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। और आगरा में ही पैसों को लेकर दो पक्षों में विवाद की खबर है। एक गुट ने दूसरे गुट पर कई राउंड फायरिंग किए। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत के बाद वहां पर तनाव है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बना दी हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ऐसे आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दो पक्षों में विवाद हुआ, कई राउंड फायरिंग की एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कई टीमें पुलिस ने बनाई हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए, यह भी पुलिस का कहना है। यह खबर भी आगरा से ही। आगरा में इस तरह के अपराध हुए जिसमें गोलियां चली हैं, एक में युवक की हत्या हुई।
सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती है। जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। और तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं इस कार्यक्रम की। आप देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया, कैसे उन्हें नमन किया, कैसे उन्हें याद किया। और उधर मुख्यमंत्री धामी ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर 126वीं जयंती पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनसे प्रेरणा प्राप्त की। आजादी के महानायकों में सबसे ऊपर के नामों में से एक सुभाष चंद्र बोस का नाम। आज उनकी 126वीं जयंती, कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें आज नमन कर रहा है। और इसी क्रम में आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में उन्हें नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए, उन्हें अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। इस तरीके से दोनों मुख्यमंत्रियों ने, दोनों नेताओं ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत माता के अमर सपूतों और आजादी के महानायकों के वे सपने साकार होंगे जिन्होंने देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत, एक स्वतंत्र भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का देखा था। आज हम सब आजादी के इस महानायक को उनकी पावन जयंती के रूप में स्मरण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के लिए एक सुरक्षित और स्वावलंबी भारत बनाने का उनका जो सपना था, उस सपने के लिए आज भारत सकारात्मक दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को साकार करने के लिए अपने स्तर पर योगदान देगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी अपडेट है, अपराधियों की धरपकड़ और निगरानी के लिए यूपी पुलिस की तैयारी दिखाई दे रही है। अपराधियों की आवाज और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी की जा रही है और निगरानी के लिए यूपी पुलिस करेगी त्रिनेत्र ऐप का इस्तेमाल। यूपी एसटीएफ को त्रिनेत्र ऐप के संचालन की जिम्मेदारी मिल गई है। एसटीएफ ने ऐप को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए प्रस्ताव भी भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही ऐप में कई नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। त्रिनेत्र ऐप में करीब 8.5 लाख अपराधियों का डेटा मौजूद है। अपराधियों को लेकर फौरन पुलिस अलर्ट करेगी। एसटीएफ ने प्रस्ताव भेजा है, मंजूरी मिलते ही ऐप में नए फीचर जोड़ दिए जाएंगे और इससे बड़ी सहायता मिलेगी पुलिस को इनकी धरपकड़ में। ऐप के जरिए आवाज से ही अपराधी की पहचान हो जाएगी। निगरानी और धरपकड़ में इस ऐप का, त्रिनेत्र ऐप का इस्तेमाल होने जा रहा है। इधर हापुड़ में एक मामूली से विवाद में युवक ने पिस्तौल तान दी। युवक ने पिस्तौल निकालकर सामने वाले को धमकाया। यह सारा मामला है हापुड़ कोतवाली नगर के पुराने बाजार का। हापुड़ से खबर है, कोतवाली नगर के पुराने बाजार का मामला है। छोटी सी बात थी, हापुड़ में विवाद हुआ, उसके बाद पिस्तौल तान दी सरेआम युवक ने। इसकी फुटेज हमारे पास है, ये देखिए आप, ये निडर, ये बेखौफ, ये युवक, इसे कानून का कोई डर नहीं। पिस्तौल निकालकर धमकाने लगा मामूली सी बात पर। देखिए आप, हमने उस युवक को दिखाने का प्रयास किया है आपको, जिसने मामूली से विवाद में पिस्तौल निकाली और सामने वाले पर तान दी। देखिए कैसे हुआ ये हापुड़ में। ये कोतवाली नगर के पुराने बाजार का मामला है जिसकी सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। विवाद मामूली था लेकिन इस युवक में कानून का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। पिस्तौल निकाल दी इसने, सामने वाले पर तान दी। हापुड़ का मामला। एक्सक्लूसिव फुटेज। और आने वाले दिनों में समर्थकों और कार्यकर्ताओं का डेटा जुटाएगी भारतीय जनता पार्टी। जी, व्यवसाय और जाति से लेकर परिवार तक की जानकारी लेगी पार्टी। जिले और मंडल में
डेटा कलेक्शन के लिए कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा, उन्हें तैयार किया जाएगा और आज से भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। कार्यकर्ताओं को इस योजना से जोड़ने के निर्देश पार्टी ने दिए हैं और सब जानकारी आने के बाद पार्टी के पास सारे आंकड़े वर्ग समूह लोकसभा विधानसभा निकाय और पंचायत के अनुसार मौजूद होंगे। इसमें जाति व्यवसाय वर्ग के भी आंकड़े मिल जाएंगे और पार्टी अगर अपना कोई खास संदेश किसी विशेष वर्ग समुदाय जाति या व्यवसाय तक भी पहुंचाना चाहती है तो वो झट से पहुंच सकेगा। इसी अपडेट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।